हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की अस्थियां सोमवार की देर रात को दौसा समेत घाट पर गंगा में विसर्जित कर दी गयी। विसर्जन के लिए कमलेश तिवारी के पैतृक गांव महमूदाबाद से उनकी मां एवं उनके छोटे बेटे मृदुल तिवारी अस्थि कलश पुलिस सुरक्षा में लेकर घाट तक पहुंचे थे। उनके साथ ही हिंदू समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशन पांडे भी थे। विसर्जन में गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर एवं आचार्य राजू के साथ ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार कर विधि विधान से विसर्जन कार्य संपन्न कराया। सभी ने कमलेश तिवारी की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू पार्टी के नेता रोशन पांडे ने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद योगी सरकार ने कमलेश तिवारी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि कमलेश भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के आदित्यनाथ पांडे, आयुष पांडे, वेदांत तिवारी, आशुतोष चौबे, अभिषेक तिवारी, राजू झा, मृत्युंजय समेत अन्य आदि लोग मौजूद रहे।